अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी फाइटर जेट JS-17 थंडर के हवाले से इंतहाई अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से मिलने वाले आर्डर के बारे में इंकशाफ किया है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से दो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए राबता किया है और पाकिस्तान कितनी तादाद में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फरोख्त करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। मजीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आल न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकान को प्रेस कर दें। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ब्लॉक 3 के कुछ यूनिट पाक फिजाइया में शामिल हो चुके हैं और जिनको पाक फिजाइया के एयर चीफ उड़ा भी चुके हैं। ये तैयारा पाकिस्तान और चीन के तावन से तैयार किया गया है और ये इतना एडवांस और जदीद है कि अभी मुकम्मल पाक फिजाइया में शामिल ही नहीं हुआ और दो बड़े इस्लामी ममालिक ने JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 मॉडल खरीदने के लिए रابطे शुरू कर दिए हैं और इन तैयारों को खरीदने के लिए भी पाकिस्तान को ऑर्डर वसूल हो चुके हैं। जबकि इस तैयारे की नुमाया खसूसियात कुछ यूँ हैं, ये तैयारा इंतहाई जदीद होने के साथ साथ बाकी तैयारों की नस्बत इंतहाई कम कीमत भी है। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने का इजहार कर चुके हैं जिनकी लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी कर दी और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के खरीदारों को भी जाहिर कर दिया जिनमें दो ममालिक शामिल हैं। पहले मुल्क के बारे में अगर बात की जाए तो अज़रबैजान 22 के करीब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से खरीदने के लिए राबता कर चुका है। जबकि दूसरे मुल्क की बात की जाए तो दूसरा मुल्क मिस्र है जिसने 18 के करीब पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने के लिए राबता किया है। दोस्तों जो भारत पिछले 40 सालों से आज तक अपना तेजस तैयारा बनाने में मसरूफ है, जो बेचारे अभी तक अपनी एयरफोर्स के हवाले भी नहीं किए गए, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान को बनाने से पहले ही ऑर्डर मिल चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में पाक एयरफोर्स जिंदाबाद का नारा भी लगा दें।